नमस्कार, स्वागत है आपका इटसिन न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ निशा कश्यप। देश अब एक नए भारत के रूप में निर्मित हो रहा है, जहाँ हिंदुत्व का वर्चस्व सिर चढ़कर बोल रहा है, जहाँ सनातन की महक लोगों के बीच फैल रही है और इस खुशबू में लोग लिप्त हो रहे हैं। कहीं मुसलमान जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाते नजर आ रहे हैं, तो कहीं अपने धर्म को छोड़ सनातन को अपनाते। वसीम रिजवी के धर्म परिवर्तन के बाद से माहौल काफी गर्म हो गया। हर ओर लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कुछ लोग इन सब को पैसे और पावर का खेल बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग अपनी सांप्रदायिक नफरत वसीम रिजवी पर उड़ेल रहे हैं। लेकिन ऐसे में उनकी ढाल बनकर खड़े हैं महंत यति नरसिम्हानंद गिरी महाराज, जिनके निर्देशित पथ पर चलकर वसीम रिजवी ने सनातन को अपनाया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जिस मंदिर को वसीम रिजवी ने अपने धर्म परिवर्तन के लिए चुना, वो डासना मंदिर ही क्यों था? क्या उस मंदिर से रिजवी साहब का कोई खास लगाव था? इस सवाल का जवाब हम आपको आखिर में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको महंत और रिजवी साहब के बीच के संबंध के बारे में बता देते हैं। महंत यति नरसिम्हानंद गिरी महाराज उस मठ के महंत हैं जिसके तहत डासना मंदिर का कारभार देखा जाता है। वैसे आपको बता दें कि ये मंदिर पहले से ही विवादों से घिरा रहा है। दूसरी ओर खुद को सनातनी मानने लगे वसीम रिजवी ने महंत को अपना गुरु मानते हुए सनातन धर्म को अपनाया है और आगे भी उन्हीं की छत्र छाया में शिक्षा दीक्षा लेंगे। वहीं उनके द्वारा उठाए गए इस कदम के बाद से मुस्लिम समाज उनसे बेहद खफा है। हालांकि सालों पहले ही वसीम रिजवी को इस्लाम की मान्यताओं को आहत करने पर धर्म से खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद वसीम रिजवी का बयान भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस्लाम धर्म से खारिज करने के बाद ये बात पूरी तरह मुझ पर निर्भर करती है कि मैं किस धर्म का आवाहन करता हूँ। वहीं उन्होंने सनातन अपनाने के पीछे की वजह पर जवाब देते हुए कहा कि सनातन धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, इसलिए मैंने इसे अपनाने का फैसला किया। पाई जाती है, हम ये समझते हैं किसी और दूसरे धर्म में नहीं है और इस्लाम को हम धर्म समझते ही नहीं है। इतना पढ़ लेने के बाद इस्लाम के बारे में, मोहम्मद के चरित्र के बारे में और जो उनकी आतंकवादी चेहरा है उसको पढ़ने के बाद हम ये समझते हैं कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है, मोहम्मद द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ एक आतंकी गुट है जो 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तानों में तैयार किया गया। दरअसल यूपी सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी आज इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू अपना चुके हैं। रिजवी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर शिव शक्ति धाम के महंत यति नरसिम्हानंद गिरी महाराज ने वसीम रिजवी को सनातन धर्म ग्रहण कराया। बता दें कि वसीम रिजवी ने कुछ दिन पहले ही अपनी वसीयत जारी की थी, जिसमें उन्होंने ऐलान किया था कि मरने के बाद उन्हें दफनाया ना जाए बल्कि हिंदू रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया जाए। उन्होंने कहा कि यति नरसिम्हानंद उनकी चिता को अग्नि दे। रिजवी ने एक वीडियो जारी करके कहा था, मेरी हत्या करने और गर्दन काटने की साजिश रची जा रही है। मेरा गुनाह सिर्फ इतना है कि मैंने कुरान की 26 आयतों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। मुसलमान मुझे मारना चाहते हैं और घोषणा की कि मुझे कब्रिस्तान में जगह नहीं देंगे, इसलिए मरने के बाद मेरा अंतिम संस्कार कर दिया जाए। बता दें कि वसीम रिजवी काफी समय से कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। वो कट्टरपंथ के खिलाफ खुलकर आवाज उठाते रहे हैं। उनको कई बार जान से मारने की धमकियां भी मिल चुकी है। गौरतलब है कि वसीम रिजवी ने कुरान के कथित रूप से विवादित आयतों को हटाने के लिए कुछ महीनों पहले सुप्रीम कोर्ट को रीट याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया और उन पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। आपको बता दें कि डासना मंदिर को चुनने के पीछे की वजह है महंत यति नरसिम्हानंद गिरी महाराज, जिन्होंने रिजवी के फैसले का सम्मान किया और एक सनातनी के रूप में उन्हें अपनाया। आप इस खबर को लेकर क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय में कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें इससे न्यूज़। धन्यवाद।